हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस न्यू सेशन आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यूज राइट जो आप एंट्रेंस एग्जाम्स देते हो उसके बाद काफ़ी सारे कॉलेजेस में एक पर्सनल इंटरव्यू वाला भी सेक्शन होता है जो आपको क्लियर करना होता है एडमिशन सिक्योर करने के लिए राइट right? सो so, इस सेशन का हमारा मेन एम ये है कि आपको एक फेयर आइडिया लग जाए दैट वॉट हैपन्स आफ्टर यू क्लियर योर एंट्रेंस एग्जाम एंड हाउ इज़ द प्रोसीजर ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज एंड हाउ डू यू अपियर सो दैट यू कुड एस इट विथ प्रिपरेशन एंड आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है कौन कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी है टू परफॉर्म वेल इन एन इंटरव्यू राइट सो दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस सेशन सो लेट्स स्टार्ट द सेशन सो सबसे पहले हम देखते हैं भाई वॉट टू फोकस ऑन राइट सो जो मेन पॉइंट्स है जिस पर आपको फोकस करना है दैट इज फाइव फोल्ड ठीक है फाइव चीज पांच ऐसी चीजें हैं जो जिनको आपको ध्यान देना है जिससे आपकी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो किक स्टार्ट हो सकती है राइट सो द फर्स्ट इज एक्सप्रेस योर पर्सनैलिटी राइट नाउ व्हाट एक्सप्रेस योर एक्सप्रेसिटी मीन कि भाई जो पर्सन आप हो आपको वो एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए है ना आपको अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करना है ताकि जिसके आगे भी आप खड़े हुए हो जिससे भी आप बात कर रहे हो जिसके आगे भी आप बैठे हुए हो उन वो आपसे इंप्रेस हो रहे हैं उनको आपकी पर्सनैलिटी के जो पॉजिटिव्स है वो पता चल रहे हैं राइट सो दैट इज समथिंग दैट यू यू विल विल हैव हैव टू टू लर्न एंड वर्क अपॉन दैट इज एक्सप्रेस योर पर्सनैलिटी राइट देन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन एंड और हाईजीन क्वेश्चन ठीक है सो so, जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन लाइक टेलमी अबाउट योर सेल्फ व्हाट आर योर स्ट्रेग्स एंड वीकनेसेस एंड मेनी मोर क्वेश्चन जो हम आगे भी डिटेल दे, में डिस्कस करेंगे दीज आर जस्ट पॉइंटर्स राइट सो आपको पता होने चाहिए ना बिकॉज़ बिकॉज़ आर क्वेश्चन दैट यू मस्ट प्रिपेयर हर इंटरव्यू में कम से कम इनमें से दो तीन क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और हर किसी से पूछे जाते हैं और काफी सालों से पूछे जाते रहे राइट सो ये होते हैं मस्ट प्रिपेयर क्वेश्चन जो जिनके लिए आपको हमेशा हर मोमेंट पे प्रिपेयर होना चाहिए सो दैट इजीन दैट दो क्वेश्चन राइट नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ आंसरिंग राइट लेट्स से क्वेश्चन नाउ हाउ डू यू आंसर इट राइट right? आपको अभी आंसर पता है या हो सकता है आपको आंसर नहीं पता हो उस केस में आपको जब पता है तो आप उसको कैसे आंसर करोगे राइट वॉट 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 शुड बी योर चॉइस ऑफ वर्ड्स वॉट शुड बी योर फेस एक्सप्रेशन शुड बी योर हैंड जस्चर्स राइट सो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ आंसरिंग एंड दिस इवन वर्क कि जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको नहीं पता हो सो दिस इवन इंक्लूड्स द आर्ट ऑफ सेइंग आई डोंट नो ठीक है हाउ डू यू से आई डोंट नो सो दैट इट गोज ऑफ वेल राइट right? उससे आपकी जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो नहीं आता है ये भी हम इस सेशन में सीखेंगे राइट देन कम्स हैव क्लैरिटी अबाउट द कोर्स एंड करियर ठीक है जिस कोर्स को आप परस्यू करने के लिए अपना इंटरव्यू दे रहे हो उस कोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज है भाई कि कितने साल का कोर्स है कौन से सब्जेक्ट्स हैं इस कोर्स में आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है या अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या कौन सा ऐसा इसमें टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए आप एक्साइटेड हो दीस आर सम बेसिक क्वेश्चन दैट कम फ्रॉम द कोर्स राइट तो आपको ये कोर्स की थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए और उस कोर्स के बाद कौन से करियर ऑप्शन फॉलो होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आप यहाँ पे बीबीए की बीबीए के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो बीबीए के लिए अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बी बी ए के बाद आपके पास आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस रहते हैं राइट तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए बिकॉज दैट हेल्प्स यू हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड कि भाई आपके कुछ करियर गोल्स हैं एंड आप सीरियस हो उनके बारे में आप अभी से उनको परस्यूव कर रहे हो आपको सारी नॉलेज है कि भाई आपको आ, अकेडमिकली क्या करना है आपको उस अकेडमिकली कितना अच्छा करना है ताकि जो आपका करियर में हो उसके हेल्प हो राइट right? सो so ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड देन कम्स जनरल अवेयरनेस राइट ना जनरल अवेयरनेस इज समथिंग दैट इज अपार्ट फ्रॉम वॉट यू हैव लर्न इन योर लेट्स एंट्रेंस एग्जाम और लेट्स वॉट दे हैव ऑलरेडी आस्ड है ना अबाउट योर पर्सनैलिटी इसके अलग से चीज आ जाती है एक जनरल अवेयरनेस कि भाई आप एक पर्सन हो राइट दे हैव अंडरस्टूड दैट एंड यू हैव कम यर आफ्टर स एग्जाम राइट यू हैव क्लियर इट दैट्स वाई यूर सिटिंग अवेयर हो कि दुनिया में क्या चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में क्या चल रहा है इस चीज पे आप अवेयर हो तो दैट कम्स अंडर जनरल अवेयरनेस सो ये पांच चीजें ऐसी जिनको आपको ध्यान देना है एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू क्लियर योर पर्सनल इंटरव्यू राइट सो अब हम ईच जो आपका ईच पॉइंटर है उसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट सो दर्स्ट थिंग इज एक्सप्रेस योर पर्सनैलिटी ना हाउ डू एक्सप्रेस योर पर्सनैलिटी सो दिस अब इसमें क्या क्या चीजें आती है बताए इसमें आपका भाई आपके बैठने का तरीका आपके बोलने का तरीका आपके जो हैंड जेस्टर्स है ना ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है तो बेसिकली आप एक इंटरव्यू पैनल में बैठे हो राइट right? एंड आप लेट से योर सेटिंग फॉर अर कोर्स राइट आपको भाई आई एम इंदौर में एडमिशन uh, चाहिए अब भाई उनके पास एप्लीकेट्स बहुत सारे हैं

वीकनेस, राइट right? तो एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी में आपको सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और स्ट्रेंथ आप कैसे शोकेस करोगे इन कॉन्वर्सेशन ये आपको पता होना चाहिए राइट सो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन यें राइट लेट्स कि भाई आपका जो लैंग्वेज है दैट इज अ स्ट्रेंथ ना हाउड यू यूज योर लैंग्वेज टू इम्प्रेस एन इंटरव्यू पैनल दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी राइट अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको उसका आंसर नहीं आता है सो so, क्या आप कह सकते हो या आपको उसका उस आंसर सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए सो यू शुड बी एबल टू कॉन्फिडेंटली से कि भाई आप कैन यू प्लीज गिव मी टू थिंक अबाउट इट राइट सो एक्सप्रेसिव पर्सनलिटी में देखो स्ट्रेंथ जाती है आपका जो कॉन्फिडेंस है राइट दैट कम्स योर एटिकेट्स द वे यू से प्लीज द वे यू से थैंक यू वेन समी कॉम्प्लीमेंट्स यू या अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी है किसी के बारे में तो आप वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो सो द बेसिक एटिकेट्स ट कम्स अंडर एक्सप्रेस पर्सनैलिटी राइट सो आपको भाई आपने जो पर्सनैलिटी है या अगर आपकी भाई मान लो दैट यू डोट हैव मैनी स्ट्रेंस और यू फील दैट यू डोंट हैव मैनी स्ट्रेंस और यू लैक कॉन्फिडेंस राइट सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड डोन्ट वेट कि भाई जब मेरा इंटरव्यू को कॉल आएगा इंटरव्यू के मैं एक हफ्ते पहले इन चीजों पर ध्यान दूंगा कॉन्फिडेंस इज समथिंग इज नॉट समथिंग दैट यू डेवलप ओवर नाइट है ना ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आज रात को सोते हुए सोचूं कि कल से मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा और मैं कल सुबह उठ के आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कॉन्फिडेंटली आई एम एबल टू मीट पीपल कॉन्फिडेंटली दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन राइट बिकॉज कॉन्फिडेंस इज अ प्रोसीजर इट्स अ प्रोसेस दैट हैपन्स ओवर टाइम राइट तो अगर आपको आपका तीन महीने बाद कोई इंटरव्यू है जिसमें आपको अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करना है वहाँ पे अपना एक एक कॉन्फिडेंट सेल्फ दिखाना है उनको राइट right? तो उसकी जो तो तैयारी है वो कल से शुरू हो जानी चाहिए थी राइट right? सो so,

वेरी सुटेबल कैंडिडेट बट वो चीज कन्वे ही नहीं, पा, नहीं हो पाई हो इंटरव्यू पैनल तक राइट सो दे आर गोइंग टू मार्क यू जिस तरह से जो पर्सनलिटी उन्होंने आपकी देखी है राइट right? उसके हिसाब से वो आपको मार्क करने वाले हैं राइट तो यहाँ पे जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो आप कहना चाह रहे हो या जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो क्या आप उसको अच्छे से कन्वे कर पाए हो अपने इंटरव्यू पैनल पे राइट इफ समुटिंग फॉर वर्ड अ क्वेश्चन दे एक्ट्स ऑब्वियसली एक्सपेक्ट एंड आंसर फ्रॉम यू राइट और आपको आंसर आता भी है बट अगर आप उसको अच्छे से कन्वे नहीं कर पाए हो सो दैट योर यू आर नॉट विनिंग दैट गेम राइट सो वहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी इंटरव्यू में राइट कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन अगर ये दोनों आप एड कर पा रहे हो तो जो पर्सनैलिटी है आपकी वो एकदम अलग से निकल के आती है राइट एंड यू नो दैट आप सोचो भाई आप कौन से लोगों से ज़्यादा इंप्रेस होते हो राइट मेक अ रैंडम इमेज ऑफ अ पर्सन दैट यू आर वेरी वेल इंप्रेस विथ वो कोई एक्टर हो सकता है वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है वो कोई फ्रेंड हो सकता है वो कोई मैंटोर हो सकता है वो कोई टीचर हो सकता है राइट right? तो वो कोई भी हो सकता है लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक आइडियल इमेज होती है एक पर्सन की जिससे आप इम्प्रेस रहते हो सो ट्राई टू एमेट दैट कि भाई ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है किसी में जिसके जिसकी वजह से वो लोगों को चाम करता है लोगों को इम्प्रेस कर पाता है वो क्वालिटीज आप अपनी में भी इंकलग्रेट करने की कोशिश करो दैट इज हाउ योर पर्सनैलिटी इज गोइंग टू विन द गेम फॉर यू राइट सो दैट ब्रिंग्स एस टू द सेकेंड थिंग दैट इज कि अब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन क्या क्या हैं किसी भी इंटरव्यू uh, में राइट right? सो so जैसे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो आप देखते हो कि भाई पिछले टेन ईयर्स के क्या क्वेश्चन रहे हैं? पिछले साल क्या क्वेश्चन रहे थे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं राइट right? सिमिलरली हर इंटरव्यू के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन होते हैं अभी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इस ये करने का तरीका बहुत सारे हैं एक तरीका होता है बहुत जनरल तरीका और एक तरीका होता है स्पेसिफिक तरीका राइट right? अब जनरली हम इन दो चीज़ों पे बात करेंगे अभी सो इज़ अ जनरल वे एंड वॉट इज अ स्पेसिफिक वे भाई जनरल वे ये हो सकता है दैट ऑनलाइन आप सर्च करो दैट वॉट आर सम सम्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन पर्सनल इंटरव्यू राइट इट कुड बी अ जॉब इंटरव्यू इट कुड बी एन एडमिशन इंटरव्यू फॉर अ कोर्स और एनीथिंग अब जनरल क्वेश्चन क्या होते हैं सो जनरल क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ राइट या अपने बारे में आप कुछ बताओ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एन अदर जनरल मी योर फाइव स्ट्रेंथ्स एंड फाइव वीकनेसेस राइट फाइव स्ट्रेंथ्स, फाइव वीकनेस या एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है टेल मी द मीनिंग ऑफ योर नेम राइट सो मीनिंग मीनिंग ऑफ नेम या अबाउट योर बर्थ प्लेस सो यू से दैट यूर फ्रॉम डेली तो भाई डेली की हिस्ट्री बताओ राइट right? अभी डेली की पॉलिटी क्या है तो अबाउट योर बर्थ प्लेस है अबाउट द प्लेस यू आर लिविंग इन राइट तो दीज आर जनरल क्वेश्चन राइट जो हर किसी से पूछे पूछे गए हैं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो so, ये आपको जनरल क्वेश्चन आप ऐसे uh, इकट्ठा कर सकते हो ना स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या हो जाते हैं लेट्स से अगर आप आई एम इंदौर के इंटरव्यू में बैठ रहे हो आई एम रोहतक के इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आपको क्या करना है आपको फिर थोड़ी सी वहाँ पे मेहनत करनी होगी आपको गूगल पे सर्च करना है कि आई एम इंदौर के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं

पर्सनल इंटरव्यू दिया था या आपके फ्रेंड्स ने पर्सनल इंटरव्यू दिया था तो उनसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको मतलब बहुत पोलाइटली बोलना पड़ेगा कि दैट आई एम आई हैव गॉट अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू राइट एंड मुझे जानना है कि भाई कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले ताकि मैं बेटर प्रिपेयर कर पाऊँ एंड वहां से आप अपने सीनियर से बेसिकली वो आपके सीनियर है राइट right? तो आपको जिस जिस तरह से आप सीनियर से बात करके अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उनकी हेल्प ले सकते हो आपको करना पड़ेगा यूजुअली लिंक्डइन इट कुड बी फेसबुक इट कुड बी इंस्टाग्राम इट कुड बी ट्विटर और वट एवर मीडियम दैट यू चूज एंड इट कु सिंपल कोरा सर्च कोरा पे आप क्वेश्चन डाल सकते हो कि भाई आपके आई एम इंदौर के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे तो कोरा में अगर कोई एक्टिव पर्सन होगा स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज तो वो उस कॉलेज में उसका अपना पर्सनल इंटरव्यू वो शेयर कर सकता है राइट right? एंड ऐसे बहुत सारे फोरम्स है रेडिट पर आप ये कर सकते हो सो so, इंटरनेट पर इंटरनेट इज अ वेरी वास्ट प्लेस राइट हर कोई है हर कोई कनेक्टेड है तो आपको आना चाहिए कि भाई कैसे आप स्पेफिक क्वेश्चन दोड़ सकते हो राइट सो दैट इज हाउ यू यूर कलेक्टिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन की भाई जो आई एम

एक डॉक्यूमेंट बना लिया एक पेपर में आपने लिख लिया भाई टेन जनरली आस्क क्वेश्चंस, या ट्वेंटी जनरल आस्क क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के भी आपने कॉलेज वाइज बना लिया भाई इस कॉलेज में या इन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ये दस पंद्रह क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन कई के कॉलेज में ऐसा होता है भाई कि आप बैठे हुए हो, आप जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आए उसके भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं ना आपसे आपके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी भी रैंडम चीज पे राइट स्टॉक मार्केट पे क्वेश्चन चल रहे हैं सो दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज तो आपको देखना पड़ेगा कि उस स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में कॉलेज uh, की हिस्ट्री क्या है राइट right? उस स्पेसिफिक uh, कॉलेज के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जिस भी कॉलेज का आप uh, पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हो उस कॉलेज के बारे में आपको ए टू जेड सारी नॉलेज होनी चाहिए भाई उस कॉलेज के अभी प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है चेयरमैन कौन है डीन कौन है वाइस चांसलर कौन है राइट कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए है जाते हैं वहाँ पे क्या स्टूडेंट्स हैं कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जेंडर रेशियो क्या है राइट कब इस्टलिश हुआ था कॉलेज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है क्या उसकी कोई और ब्रांच भी है इंडिया में अलग अलग जगह उसका एड्रेस क्या है उसका पिन कोड क्या है ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए हर कॉलेज के बारे में जिस भी कॉलेज का आप इंटरव्यू दे रहे हो एक दिन दो दिन पहले आपको ये जो चीजें हैं वो देख के जानी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है कि भाई आप आए हो आई एम इंदौर का इंटरव्यू देने के लिए बताओ पे हमारा कॉलेज लोकेटेड है उसका पिन कोड क्या है सो दिस इज समथिंग बेसिक दैट दे कैन एक्सपेक्ट यू टू आंसर एंड काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान दिया हो ये बेसिक चीजें आप आपसे छूट गई हो राइट right? तो ये सारी चीजों पर भी आपको ध्यान देना है राइट right? सो so ये हो जाते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन अब इस पर प्रिपेयर कैसे करोगे नाउ टेल मी समथिंग अबाउट योर है ना दिस इज एज जब आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन जर्नी में बढ़ोगे राइट जब आप लोग अपने सीनियर से बात करोगे कि भाई आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे तो दैट इज द द बेसिक स्टार्ट ऑफ योर जर्नी राइट तो वहां पे यू विल फाइंड दैट जितना बेसिक यह क्वेश्चन लगता है उतना ही ज्यादा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है राइट right? कि टेल मी समथिंग अबाउट योर में आप क्या क्या चीजें इंकल्केट करोगे राइट right? तो हम ए, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे अंडर दिस टॉपिक राइट कि टेल मी समथिंग अबाउट योर में आइडियली क्या क्या होना चाहिए कौन कौन सी चीजों पर आप ध्यान दे सकते हो राइट सो यू कुड स्टार्ट विथ माई नेम इज सो एंड सो आई वॉज बॉर्न इन

म फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश है ना मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो इस स्कूल में हुई थी उसके बाद जो कॉलेज हुआ राइट एंड टेंथ में स्कोर य था ट्वेल्थ में स्कोर था मेरी हॉबीज तो आपको इंट्रोडक्शन देना बेसिक अब uh, सबसे पहले बोथ प्लेस देन स्कूल राइट देन योर अगर कोई आपका हॉबी है राइट right? कौन से स्पोर्ट्स आपको खेलने अच्छे लगते थे कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको Uh, पसंद है जिसमें आपके भाई आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हो so आप रेगुलरली कोई चीज़ अगर प्रैक्टिस करते हो राइट लेट्स से आप डिबेटिंग में बहुत ज्यादा स्कूल में एक्टिव रहे हो एंड यू हैव इवन पार्टिसिपेटेड इन पार्टिस कॉम्पिटिशन आपका काफी टाइम का एक्सपीरियंस है काफी प्रोफेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है अगर डिबेटिंग या किसी किसी भी चीज में डांस हो सकता है इट कुड भी सिंगिंग राइट इट कुड भी रंगोली मेकिंग इवन इट कुड भी एनीथिंग कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा करिकुलर है दैट इज अपार्ट फ्रॉम योर अकेडमिक्स वो चीज़ आप आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में ताकि जो पैनलिस्ट वहाँ पे बैठा है देखो वो आप आपको एक इंटरव्यू देना है लेकिन वो कितने और कम कम, right? so, लोग अपने ट्वेल्थ में, में आने वाले हैं नाइन्टी फाइव परसेंट राइट तो आप उस रेस से कैसे अलग स्टैंड आउट कर सकते हो दैट इज बाई एडिंग हाँ मेरे भी टेंथ में नाइन्टी फाइव नाइन्टी परसेंट आए थे लेकिन साथ साथ में मैं स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन भी था मैं स्कूल का बॉय भी था राइट right? या मैं डिबेटिंग भी करता था मेरा इंटरेस्ट जो है वो पोएट्री में भी है तो आप अपनी जब हॉबी बता रहे हो आप अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स उनको गिना रहे हो सो दैट इज समथिंग दैट इज टेलिंग टू देम अबाउट योर पर्सनैलिटी कि भाई आप बुक्स से अलग भी एक पर्सन हो और आप इन, आपने इन सारी चीजों पे भी ध्यान दिया हुआ है राइट सो दैट एड्स टू योर पर्सनैलिटी यू कुड एंड योर इंट्रोडक्शन विथ कि भाई मेरा एस्पिरेशन uh, क्या है वॉट इज योर ड्रीम वॉट डू यू वॉन्ट टू लाइक वॉट इज सक्सेस फॉर यू या आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो राइट सो योर ड्रीम और योर एस्पिरीशन वहां पर आप अपना करियर गोल क्या है आपका वहां पर आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो एंड कर सकते हो राइट सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर ट्राइल एंड टेस्ट स्ट्रक्चर है काफी लोगों ने uh, काफी लोग कहते हैं दट दिस स्ट्रक्चर हैज़ वर्क फॉर देम एंड आइडियली जो आंसर होना चाहिए टेलमी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का दैट शुड भी फ्राम एनी वे टू थर्टी से फोर्टी फाइव सेकंड है मैक्सिमम हो सकता है सिक्सटी सेकेंड्स तक है ना इससे ज्यादा आपका जो टिल सेल्फ uh, नहीं होना चाहिए यूजअली एक मिनट के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें आपको बतानी है दैट माई बर्थ प्लेस इज सो एंड सो एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम ये अगर आपने स्कूल चेंज किया है तो मतलब आई स्टडी टिल फिफ्थ इन दिस स्कूल एंड देन आई मूव टू दैट प्लेस राइट और वॉटवर एंड माई हॉबीज आर सो एंड सो आई लाइक टू डिबेट एंड आई हैव वॉन्ट सेवरल कॉम्पिटिशन्स राइट एंड आई ऑल्सो यूज टू प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट और इट कुड भी बास्केटबॉल इट कुड भी हॉकी वॉटर राइट एंड आई आई विश टू बी अ सक्सेसफुल वॉट एवर आई एन ऑन्ट्रप्रनोर और सक्सेसफुल सक्सेसफुल करियर इन कॉपरेट कुछ भी हो सकता है राइट सो एनी 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 थिंगट इज दैट यू वॉन्ट टू डू एज ऑफ नाउ राइट सो दिस कुड बी अर नाइस आंसर टू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ सो इस तरह से आप भाई हर क्वेश्चन का आंसर भी प्रिपेयर करो जैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर किया वैसे ही आपको हर क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना है दैट इज हाउ

ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट उनका योसेल खत्म नहीं हुआ है बिकॉज आपको पता है कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट योसल आने वाला है आप प्रिपेयर हो और आपने तुरंत आंसर देना शुरू कर दिया राइट right? नहीं आपको ऐसे डीट करना है कि आपने पहली बार क्वेश्चन सुना है आप उस क्वेश्चन को एकदम इम्प्रोम टू आंसर कर रहे हो आप उस आंसर से प्रिपेयर नहीं हो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप चीजें रट रटा के आए हो राइट सो दैट इज हाउ यू आर हाउ यू आंसर क्वेश्चन राइट सो जो फोर्स चीज आपको देखनी है कि वेट फॉर द क्वेश्चन टू एंड ठीक है डोंट बी इन अ हरी वेट फॉर द क्वेश्चन टू एंड राइट एंड आंसर विथ काम एंड कंपोज राइट अच्छे से आपका जो सिटिंग कास्चर है वो अच्छे से होना चाहिए आराम से आप आंसर करना है ऐसे आपको आंसर नहीं करना है कि भाई मैंने तो ये क्वेश्चन दस बार पढ़ा हुआ है मुझे तो पता था क्वेश्चन पूछा जाने वाला है तो मैं आप आंसर कर रहा हूं राइट right? या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो चलो टेल मी समथिंग अबाउट हाइजीन क्वेश्चन भी नहीं है कोई और भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको आता है लेकिन फिर भी आप उसमें यू शुड नॉट बी इन अ हरी राइट द पर्सनैलिटी शुड गो एज कि भाई आप एक शांत स्वभाव के यू आर अ काम पर्सन यू डोंट गेट ओवर एक्साइटेड एट टाइम्स राइट तो दैट शुड बी समथिंग दैट यू आर कन्वेइंग टू योर आंसर सो दैट इज हाउ यू आंसर क्वेश्चन नाउ आर्ट ऑफ आंसरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट अगर क्वेश्चन आता है लेट्स आप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु इज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका राइट एंड यू माइट नो और यू माइट नॉट नो इफ यू नो यू विल आंसर इट विथ विथ वेरी ईज राइट आप आराम से आंसर करोगे सर इट इज़ सो एंड सो राइट बट वॉट इफ यू डोंट नो राइट right? तो आपको बोलना है आई डोंट नो आपको वहां पे कोई गेस नहीं करना है देखो इंटरव्यू में ना आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको आंसर अगर ये फैक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता हो सकता है तो नहीं पता हो सकता है यहाँ पे इंटरव्यू में आपको ओवर स्मार्ट नहीं प्ले करना है कि भाई मुझे पता नहीं है लेकिन चलो मैं गेस करता हूँ सर इज इट इज इट जेलेंस की ओब्वियसली इट इज नॉट राइट और आपको ऐसा भी नहीं बोलना है सर आई आई थिंक गेस 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 द नेम नहीं यू नॉट सच अ फैक्चुअल क्वेश्चन जो फैक्ट्स होते हैं

ओश, मतलब मैंने मेरी प्रिपरेशन तो काफ़ी रही है लेकिन हो सकता है ये वाला पार्ट मुझसे मिस हो गया हो तो आपको वो एक्सेप्ट करना है या तो हो सकता है कि आपने पढ़ा हो और अभी आपको याद नहीं आ रहा हो तो आपको फिर अपफ्रंट बोलना है विथ वेरी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस कि आई एम सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ है ना तो इट कुड बी एनी केस बट आपको वो चीज़ एकदम कॉन्फिडेंटली एंड पोलाइटली बोलनी है है ना देखो सबसे पहली बात है कि आपको एक आंसर नहीं आता है तो थोड़ी सी ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई मुझे कोई आंसर नहीं आ रहा आपको आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ओ मुझे इस टॉपिक पे नॉलेज नहीं है राइट right? एंड दूसरी एक्सेप्टेंस के बाद आप वो चीज़ कन्वे कर पा रहे हो कि आई एम सॉरी आई डोंट रिकॉल द नेम राइट नाउ है ना बहुत पोलाइटली बहुत ह्यूमिलिटी के साथ आपको आंसर देना है दैट आई डोंट नो राइट तो वो आंसर आपका आई डोंट नो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आई डोंट नो इट इट शुड नॉट बी कैजुअल राइट इट शुड बी दैट यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग दैट यू डोंट नो एंड यू यू आर विलिंग टू लर्न अबाउट इट है ना कि भाई मैं घर जाके पढ़ूंगा

बहुत के साथ आपको आई नो आई डोंट नो नहीं बोलना हो सकता है भाई आपसे दस क्वेश्चन पूछे जा रहे हो आपने नाइन क्वेश्चन तो आंसर बहुत अफरेंट दे दिए हो और इस एक क्वेश्चन का आपको लग रहा है कि भाई नाइन क्वेश्चन तो मैंने दे दिया है तो चलो ये तो मुझे नहीं आता है नहीं दिस क्वेश्चन माइट बी द डिसाइडिंग क्वेश्चन सो आपको थ्रू आउट इंटरव्यू योर पर्सनैलिटी शुड बी समथिंग दैट यू शुड अगर इंटरव्यू बीस मिनट का हो रहा है तो बीस मिनट आपको एक वेल मैनर्ड वेल कंपोज इंसान बन के रहना है और अगर आपका एक घंटे का इंटरव्यू भी हो रहा है तो भी आपको एक घंटे

जो क्वेश्चन आपको आता है वहां पर भी आप अपने पॉइंट्स लूज कर सकते हो बिकॉज आपने उसका आंसर आपने उसका आंसर तो दे दिया बट आपने बहुत जल्दबाजी कर दिया आंसर देने में आपके जो जेस्चर था वो सही नहीं था आंसर देने में आपके अंदर से एक ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा था आपके अंदर से एक ओवर एक्साइटमेंट झलक रहा था राइट या आपके अंदर से कोई अंडर कॉन्फिडेंस भी झलक रहा था कि भाई आपको आंसर पता है फिर भी आप गेस कर रहे हो सर आई थिंक इट इज़ नहीं इफ यू नो द आंसर डोंट ऐड आई थिंक डोंट ऐड ऑनेस्टली है ना आपको कुछ वर्ड्स है जो आपको इंटरव्यू में यूज नहीं करना है आपको कभी नहीं बोलना है ऑनेस्टली स्पीकिंग जहां पे आपने कह दिया भाई कि ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका मतलब है जहां पे आपने नहीं कहा ऑनेस्टली स्पीकिंग वहां पे आप ऑनेस्ट नहीं हो राइट सो ऑनेस्टली एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बहुत इनफॉर्मल वर्ड्स हैं फॉर्मल मीटिंग्स में फॉर्मल इंटरव्यूज में ये सारे वर्ड्स आप नहीं आपको नहीं यूज करने चाहिए राइट सर आई ऑनेस्टली थिंक आई एम अ गुड पर्सन नो आई एम अ गुड पर्सन आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन आई ऑनेस्टली थिंक आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन ये नहीं होना चाहिए राइट एक्चुअली सर दिस दिस हैपेंड हैपेंड नहीं नो एक्चुअली विदाउट एक्चुअली राइट सो ऐसे करके आपको आर्ट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन सीखना पड़ेगा राइट एंड देन हैव क्लैरिटी अबाउट द कोर्स एंड करियर ऑप्शन राइट जो कोर्स आप परस्यू कर, करना चाह रहे हो इस कॉलेज से उस कोर्स में भाई सब्जेक्ट्स कितने हैं राइट right? कितने टाइम का वो कोर्स है एक आइडियल ग्रेड पॉइंट क्या होता है उसमें कौन सी कौन सा ऐसा टॉपिक है कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो

कोर्स दैट यू वॉन्ट टू पर्स्यू राइट वरना इंटरव्यू पैनल को लगे कि भाई कि इसको तो इंजीनियर बनना है लेकिन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यू तो क्यों दे रहे हो भाई तुम जाओ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो राइट सो दैट दैट इज द केस राइट तो कोर्स जो है और करियर ऑप्शन जो है वो अलाइंड होने चाहिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस कोर्स में क्या क्या चीजें होती है अब इस करियर ऑप्शन में अगर आपको लेट इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑन्ट्रप्रनोर है ना तो ऑन्ट्रप्रनोरशिप क्या होती है राइट व्हाट इज व्हाट आर द बेसिक्स हुर सम मेजर ऑंट्रप्रनोर्स हुर सम विमेन ऑन्टरप्रनोर्स ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए राइट दैर फोर हैव क्लैरिटी अबाउट द कोर्स एंड करियर ऑप्शंस एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दट कम्स इज जनरल अवेयरनेस है ना मेनी टाइम्स जो आपका ये टॉपिक है जनरल अवेयरनेस ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है you are आर गेटिंग सेलेक्टेड और यूर नॉट गेटिंग है ना हो सकता है जो हाइजीनिक क्वेश्चन है उसको आपने बहुत अच्छे से आंसर किया और बहुत लाइक यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन राइट लेट से

वो एनर्जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ आपने एक ब्लाइंडर लगा लिया है कि मुझे इधर और उधर नहीं देखना है मुझे सिर्फ एक जगह देखना है नहीं दैट शुड नॉट द केस यू शुड बी वेल अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू राइट एंड दैट इज व्हाट दैट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग दैट दे एक्सपेक्ट तो ये काफ़ी बार आपका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है राइट right? बिकॉज एक तरफ भाई दुनिया में एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है और ऐसा हो सकता है कि भाई आपको नाटो क्या है ये नहीं पता है आपको यूरोपियन यूनियन क्या है ये नहीं पता है आपको वॉरस ऑफ एक्ट क्या है ये नहीं पता है राइट right? यूरोप में कितने कंट्रीज आते हैं आपको ये नहीं पता है नाटो का फुल फॉर्म क्या है यू डोंट नो राइट इवन रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट्स कौन है आपको ये भी नहीं पता है सो दिस दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड आपने भाई अपने इंटरेस्ट में कहा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ राइट right? और आपको बेसिकल चीजें नहीं पता हूं तो फिर यू नो दैट द इंटरव्यू इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन राइट सो जनरल अवेयरनेस अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम बेसिक थिंग्स लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर और हैविंग रेगुलर टॉक्स विद योर फ्रेंड्स अबाउट जनरल इश्यूज तीस थिंग्स कैन बेसिकली हेल्प यू ओवरकम दिस है ना बहुत मुश्किल चीज नहीं है जनरल अवरनेस बट अगर आप इसको इग्नोर करते हो देन दैट बिकम्स अडिंग फैक्टर राइट सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल है ना अपार्ट फ्रॉम यू प्रीपेरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम क्या क्या पढ़ाई आपको करनी है उसके अलावा अगर आपके जो जिस भी कॉलेज में आपका जो ड्रीम कॉलेज है जो जिस भी कॉलेज के लिए आप एम कर रहे हो उस कॉलेज में अगर इंटरव्यू होता है सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली जो भी हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं आई होप कि आपने उसको नोट डाउन किया होगा नहीं नोट डाउन किया दें गो बैक टू दो पॉइंट्स नोट देम डाउन और ताकि जब आप अपना इंटरव्यू आपको देखो कि आप कौन सी चीज़ है जिसपे आप आज से ही काम करना शुरू करोगे तो जाके इंप्रूव होगा राइट सो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर जो पर्सनलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो ओवरनाइट आप नहीं डेवलप कर सकते वो आपको ओवर टाइम डेवलप करना पड़ेगा सो so, आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिन पे आपको आज से ही काम शुरू करना पड़ेगा एंड सो ऑन राइट सो आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है इन सब पॉइंट्स के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो सो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल